खबर यूपी के शाहजहांपुर से है। ऑनर किलिंग घटना से सनसनी फैल गई, जहां एक पिता ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया और अपनी बेटी के शव को बोरे में भरकर गांव से दूर फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पिता को हिरासत में ले लिया और ऑनर किलिंग के मामले का खुलासा किया। मामला सिंधौली थाना क्षेत्र के गाँव दुलापुर का है। पुलिस के अनुसार लड़की बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। इस बात से खफा पिता पुत्र ने मिलकर कुछ दिन पूर्व उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, घर वालों ने बदनामी के डर से लड़की के शव को बोरे में भरकर फेली गांव के पास नाले में फेंक दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शक के आधार पर लड़की के पिता गजोधर को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पिता ने अपना अपराध स्वीकार किया और पिता की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में उपयुक्त कुल्हाड़ी व पर्चा बरामद किया। पूछताछ में पिता ने बताया कि हत्या में उसका पुत्र रामनिवास भी शामिल था। पिता ने पिता पुत्र को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही जानकारी मिली लड़की का नाम नीमा था और लड़की 24 अक्टूबर से लापता थी, परंतु पुलिस में परिवार वालों की तरफ से कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं करवाई गई थी। देर रात ये सूचना मिली थाना सिंधौली में कि एक डेड बॉडी जो है वो ग्राम सुहेली क्षेत्र में सकरिया नाले के पास मिट्टी के अंदर दबी हुई है और कुछ हिस्सा इसका बाहर दिख रहा है। सूचना पे तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे पुलिस गई, ढूंढा जहाँ पे वो बॉडी थी। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए थे और जब उसको एग्ज्यूम किया गया, निकाला गया, तो वो एक लड़की की बॉडी थी जिसका बोरे में बंद था, जिसका सर कटा हुआ था। इसके बारे में तहकीकात रात में ही मेहनत करके की गई और इससे जानकारी मिली कि ये शव जो है वो एक नीमा नाम की लड़की का है जो ग्राम दुल्हापुर की रहने वाली है। और उसके बाद ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इसके घर वालों के द्वारा ही यह कारित किया गया है, क्योंकि इसके संबंध में थाने पर भी या अन्य कहीं भी इसके बारे में कोई गुमशुदगी इत्यादि की सूचना नहीं थी। तो इस पर पुलिस ने तुरंत ही मौके पर दबिश दी गई वहाँ गांव पे और इसका पिता जिसका नाम गजोधर है उसको हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ के दौरान इसने हत्या कारित किया जाना कबूल किया है, स्वीकार करते हुए, और इसकी निशानदेही पे जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और फरसा है ये भी बरामद किया गया है जिनकी निशानदेही पे। इसमें अपने पुत्र रामनिवास को भी इसने शामिल होना बताया है। अभी तक की पूछताछ से इतनी बातें जानकारी में आई हैं। यद्यपि इस घटना का अनावरण कर लिया गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और बारे में जानकारी भी मिल गई है और गहन पूछताछ करते हुए घटना के कारणों का भी स्पष्ट पता किया जाएगा। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में यह बताया जा रहा है कि संभवतः इसकी पुत्री गर्भवती हो गई थी, जिसके बारे में यह पता कराने की कोशिश कर रहा था, पुत्री से भी इसके द्वारा पूछताछ की गई ऐसा बताया जा रहा है, परंतु ये चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो पाएंगी कि घटना का कारण क्या रहा। उस आधार पर इससे और भी पूछताछ की जाएगी, पर फिलहाल हिरासत में पूछताछ की जा रही है और अग्रिम